देखो पंडित जी का। अभी सिद्ध पीठ काली मठ माँ काली का शक्तिपुंज, जहाँ माँ आज भी निवास करती है। ऐसा माना जाता है कि आज भी यहाँ माँ काली की नज़र अपने भक्तों पर रहती है। काली मठ मंदिर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कोई मूर्ति नहीं है। काली मठ मंदिर में एक कुंड है जिसे चांदी के बोर्ड, जिसे श्रीयंत्र कहा जाता है, उससे ढका हुआ है। भक्त मंदिर के अंदर कुंड की पूजा करते हैं और ये कुंड पूरे वर्ष में केवल शारदीय नवरात्रि यानी कि अक्टूबर में आने वाली नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन ही खोला जाता है और माँ भगवती का पूजन होता है यहाँ पे। आज हम भी इस अलौकिक पूजा के दर्शन करने के लिए आए हैं। कालीमठ मंदिर की विशेषता क्या है, इसे सिद्धपीठ क्यों कहा जाता है, इसका हमने एक डिटेल्ड ब्लॉग ऑलरेडी बनाया हुआ है जो कि चैनल पे अवेलेबल है। उसका लिंक टूल टिप पे आ रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है, तो आप वो वाला लिंक जाके देखिए। और इस टाइम मंदिर में बहुत रश है। कालीमठ के आसपास के जितने भी गाँव हैं, ऊखीमठ, चौमासी, कोटमा, वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं, शाम को ही आ जाते हैं, मिड नाइट तक की पूजा को अटेंड करके वापस अपने घरों में जाते हैं। तो इस टाइम ये सारे लोग महाअष्टमी पूजा को अटेंड करने के लिए आए हैं। इस टाइम हम कालीमठ मंदिर के अंदर खड़े हैं और यहाँ पे पूजा की तैयारियाँ चल रही हैं। सबसे पहले माँ भगवती की डोली को यहाँ से कुंड वाले एरिया में लेके जाया जाएगा। वहाँ पे कुंड को ओपन करेंगे, उसकी पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद उस कुंड को बंद कर देंगे और वापस डोली को पूरे मंदिर में घुमा के भक्तों को उनके दर्शन करा के इस मंदिर में वापस लेके आया जाता है। माँ काली की डोली को इस मंदिर से कुंड वाले मंदिर में लेके जाया जाता है, जहाँ पे माँ काली के उस कुंड को ओपन करते हैं और मध्य रात्रि यानी कि मिडनाइट में उस कुंड की पूजा होती है। और आप देख रहे हैं इस टाइम कितना ज़्यादा रश हो रहा है इस मंदिर में। रात के 10 बज रहे हैं और ये सारे लोग इस टाइम माँ काली की डोली के दर्शन की वेट कर रहे हैं। सामने महासरस्वती और महालक्ष्मी देवी का मंदिर है, वहाँ उन मंदिर में माँ की डोली को दर्शन करा के फिर इस तरफ को लेके आया जाएगा। इस टाइम आप स्क्रीन पे माँ के उस कुंड के दर्शन कर रहे हैं जिसे पूरे साल में सिर्फ एक ही बार खोला जाता है। ऐसी मान्यता है कि रक्त बीज के वध के बाद जब माँ काली शांत नहीं हो रही थी, तब भगवान शिव माता के चरणों में लेट गए थे। जैसे ही महाकाली ने शिव के छाती पर पैर रखा, वह शांत हो गई और इस कुंड में समा गई थी। आज भी ऐसा माना जाता है कि माँ काली इसी कुंड में रहती हैं और आज महाअष्टमी के दिन इस कुंड से श्री यंत्र को हटा के साक्षात माँ काली की पूजा की जाती है और आप इस टाइम हमारे साथ उसी पूजा को देख रहे हैं। आप देखिए अपनी स्क्रीन पे अब
कुंड को वापस श्री यंत्र से ढक दिया गया है। पूजा संपन्न हुई है। पूजा के कंप्लीट होने के बाद वापस इसको उस चांदी के बोर्ड से ढक दिया जाता है। पूरा साल इसी चांदी के बोर्ड की पूजा की जाएगी और अगले साल शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन फिर से इस कुंड को खोला जाएगा और साक्षात महाकाली की पूजा होगी। महाकाली की इस डोली को फिर से कुंड वाले मंदिर से भक्तों को दर्शन देते हुए उसी मंदिर में लेके जाया जाएगा जहां से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। टाइम जो ये डोली वाला सीन चल रहा है ना, ये हमेशा हमने यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स पे देखा है, कभी हमने रियल में नहीं देखा था। तो वी नेवर थॉट कि ऐसा कुछ एक्चुअल में होता भी होगा। कंतारा मूवी देखी थी, उसमें भी उन्होंने ऐसा ही शो किया था कि देवता आते हैं एंड एक अलग ही एनर्जी आ जाती है लोगों के अंदर। पर हम ये सामने देख रहे हैं एंड इट इज़ वेरी 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 कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड। रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस टाइम मेरे ये सीन देख के। कभी भी आपको मौका लगे महाअष्टमी वाले दिन काली मठ आके ये वाली पूजा आप जरूर अटेंड करिएगा। इट विल बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर यू। माँ काली की पूजा तो हमने देख ली, पर अष्टमी पूजा और उसी के साथ साथ कन्या पूजन तो हमारा भी अभी बाकी था। हर साल नवरात्रि की अष्टमी वाले दिन नॉर्थ में कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें कंजकों को बुलाते हैं घर में, उनकी पूजा की जाती है, हलवा पूरी चने उन्हें खिलाए जाते हैं। पर इस साल क्योंकि हम काली मठ में थे तो हमने सोचा कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। माँ काली के इतने विशेष धाम सिद्धपीठ काली मठ में हम आए हुए हैं तो हम यहीं पे माँ काली की पूजा करेंगे और फिर कंजके करेंगे। और ये कालीमठ मंदिर में हमारी छोटी सी कन्या की पूजा की जाए। काली के मंदिर आए थे कालीमठ में, यहाँ पे काली माता की पूजा करा के अब हम आगे बद्रीनाथ के लिए निकल रहे हैं। अराउंड 10 o'clock हो रहे हैं और यहाँ से जो बद्रीनाथ का डिस्टेंस है वो 189 किलोमीटर्स का है। अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 घंटे लगेंगे हमें बद्रीनाथ पहुँचने के लिए। तो अब फटाफट से यहाँ से चलते हैं और बद्रीनाथ के लिए निकलते हैं। और फिर माँ काली के आशीर्वाद के साथ हम निकल पड़े नारायण के सबसे पहले धाम बद्रीनाथ की ओर। वी होप इस ब्लॉग के थ्रू हमने आपको माँ काली की इस विशेष पूजा के अच्छे से दर्शन करवाए होंगे।
हम फिर भी आप सबको इस पूजा को खुद यहाँ आके अटेंड करने के लिए कहेंगे। हमें कालीमठ में बहुत दूर दूर से आए हुए लोग मिले जो स्पेशली हर साल इस पूजा के लिए यहाँ आते हैं, तो आप भी आइए और माँ काली की इस विशेष पूजा का हिस्सा बनिए। फिलहाल आज का ब्लॉग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलेंगे आपको अपने अगले ब्लॉग में, जिसमें हमारी जिमनी के साथ एक अलग एडवेंचर होगा। तब तक के लिए हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल और हमारे पुराने ब्लॉग्स देखिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।